तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाका आप लोग को कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो ब्लॉग पर बने रहिए। और आज हम ये देखिए, रोशन जी भी सोए हुए हैं और हमारे बेबी भी सोई हुई है। और ये देखिए, नींबू लाए थे मतलब अचार बनाने के लिए। तो फिर ना हम ऐसे ही सोचे कि चलिए आप लोग को भी बता देते हैं। और भी ढेर सारा नींबू लाएंगे तो सुबह अचार बनाएंगे। चलिए अभी हम जा रहे हैं रोशनी के लिए खाना लाने के लिए। तो फाइनली हम रोशनी जी के लिए खाना लेने के लिए आए थे। तो हम देखिए, हम परोस लिए हैं इसमें सब्जी परोस लिए, सब्जी और आलू का भुजिया। तो हम चावल निकाल रहे थे। तो हम चलिए आप खाना हमको तब तक निकालते हैं। तो तब तक आप हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नए चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर सारा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को। तो चलिए हम खाना निकाल रहे हैं। देखिए चावल जो इसमें हमारा डालें, और अभी इसमें डालेंगे। तो चलिए आप लोग को हम रोशन जी के पास लेके जाते हैं, खाना वहीं पर मिलते हैं। तो ब्लॉग को बने रहिए। तो फाइनली हम रोशन जी के लिए खाना ला लिए हैं। और ये देखिए रोशन जी क्या करे थे, सॉरी बट आप लोग से एक बात भी करना था कि हम ना इतना मेहनत से ब्लॉगिंग आज किए थे, पता है। जब ना हम एडिट करने के लिए जब करना चाहे तो पता चला कि हमारा मोबाइल का माइक जो है पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है, और ब्लॉगिंग करने में कि पता चला कि आवाज़ ही नहीं आ रहा। इसीलिए हम आज पहली बार मतलब कि हम पीछे से बोलना पड़ रहा है। और सॉरी आप लोग, प्लीज़ ये वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो में भी बताएंगे। ये देखिए नींबू कितना ज़्यादा खट्टा है। तो ये देखिए रोशन जी कितना ताकत लगा के गा रहे हैं, क्योंकि कच्चा है ना, इसीलिए नहीं रस नहीं कर रहा है भी थोड़ा सा भी, इसीलिए। और ये मैं ना क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रस नहीं निकला था, इसलिए ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। देखिए अभी जाके एक दो बूंद निकला, देखिए कितना निकल रहा है। देखिए अब जाके गिरा, और देखिए इसका बीज भी चला गया इसी में। और उधर देखिए हमारी बेबी सोई हुई थी, उधर है ना हमारी बेबी सोई हुई, देख लीजिए कैसे गए रोशन जी। वो चलिए जब तक रोशन जी अभी खाना खाते हैं तो हम तब तक जा रहे हैं नहाने वहाने के लिए। तो चलिए अभी नहा वहा के आप लोग से मिलते हैं ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। फाइनली हम नहा वहा के रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हम अभी जाएंगे पूजा करने के लिए, और आप लोग को इस ब्लॉग में हम ये बताएंगे कि हमारी बेबी का अभी कितना मंथ हुआ है। तो चलिए अभी हम पहले पूजा करके आते हैं। और बाहर में यानी कि कोई गेस्ट आ गया है, तो इसलिए हमारे यहाँ का नियम है कि सर पर पल्लू रख के जाना पड़ता है। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं पूजा रूम। तो ब्लॉग पर देखिए हमारा पूजा रूम कैसा। तो हम फाइनली पूजा रूम आ चुके हैं, और ये देखिए हमारा पूजा रूम। और यहाँ पर देखिए सरस्वती माता का, और यहाँ पर जो हमारा पूजा रूम है, और अभी हम पूजा करेंगे। तो अभी हम जा रहे झाड़ू लाने के लिए। तो ये देखिए हमारा झाड़ू जो कि हमारे घोसे रूम का रहता है इसीलिए। और ये मतलब कि रोशन जी सब जो है आते हैं नदी के बीचों बीच में रहता है जो पानी के अंदर, वो उसी का झाड़ू बनाते हैं हम लोग। तो आप लोग बताइए कि आपके इधर से कैसा कैसा बनाता झाड़ू, क्या आप लोग के भी इधर से ऐसे ही झाड़ू रहता है, तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताएगा। तो अभी हम फाइनली पूजा फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए हमारा फूल है, देखिए मतलब कि जो है पूरा मतलब कि जो फूल चढ़ाए थे सभी हटा उठा के रख रही हूँ, ताकि दूसरे घर को अच्छे से झाड़ू लगा के उसके बाद हम चलिए पानी रख के पानी ला के धो रही हूँ। पानी लेके क्योंकि पानी लेके धोया जाता है ना इसीलिए। और हम वीडियो को इसलिए स्पीड करें ताकि आप लोग को ज़्यादा बोरिंग नहीं हो, इसलिए। ये देखिए फाइनली अभी एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रही थी, तो एक हाथ से कर रही थी, लेकिन मेरा माइक ना क्या बताएं आज बहुत ज़्यादा अपसेट भी, बहुत बुरा भी लगा जब हम एडिट करने के लिए आए तो। और देखिए हम अभी पोछा जल्दी जल्दी लगा रही हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा उतना इंतज़ार नहीं करना पड़े इसीलिए। तो देखिए फूल अभी चढ़ा रहे हैं,
क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमारी बीबी भी इधर रो रही थी ना इसीलिए। तो चलिए अभी हम पूजा वूजा करके आप लोग से मिलते हैं, और हम आप लोग से इतना प्रे कर रहे हैं कि हम मैंने हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उनका उनके घर का प्रॉब्लम भी जो भी है वो सॉल्व भी हो जाए और हमारे घर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। भगवान जी की प्रे कर रहे हैं, भगवान जी आप हमेशा सबको खुश रखिएगा। तो अभी हम फाइनली चलिए पूजा को जा रहे हैं, बाहर जाएंगे अभी बाहर में। ये देखिए हम बाहर में आ चुके हैं और अभी यहाँ पर हम फूल चढ़ा रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे। तो ये देखिए वहाँ पर हम फूल चढ़ा दिए थे। तो चलिए अभी फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। अगरबत्ती भी मेरे घर में दो ही था तो इसी से एडजस्ट करके जला लेती हूँ क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है इसीलिए। तो चलिए देखिए आप लोग क्या। तो ये देखिए अभी जल ढाल रहे हैं क्योंकि हमारा पूजा हो गया था इसीलिए हम जल ढाल के प्रणाम कर रहे हैं, प्रे भी कर रहे हैं अपनी बीवी के लिए। तो चलिए हम बाहर जा रहे हैं। फाइनली हमारा पूजा वूजा हो गया था तो हमारी बीवी रो रही थी, देखिए स्माइल कर रही है और बहुत ज़्यादा रो भी रही थी इसीलिए। तो हमने ना पहले सोचा कि चलिए अभी अच्छे से पहले हम पूजा वूजा कर लेते क्योंकि हमारी बीवी रो रही थी ना स्माइल देखिए। आप लोगों को तो कमेंट में बताइए क्या हमारी बीवी कैसी लग रही है। और आज है 9 मई यानी क्या आप लोग को 10 मई को छोड़ेंगे वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप हमारा बीवी हमारी बीवी का ना 9 मई को यानी कि डेट ऑफ बर्थ था, तो आज 9 मई मतलब सॉरी ना 9 मंथ अभी हमारी बीवी का ना 5 मंथ हो चुका है क्योंकि 9 मई को 5 मंथ हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट। तो अभी हम ना आप लोग से क्या मान लेते, देखिए स्माइल कर रही है हमारी बीवी और आप लोग इतना बताएगा कि हमारी बीवी का ना आज कितना मंथ हो चुका पता है आप लोग को, हमारी बीवी का ना 5 मंथ हो चुका है फाइनली। और आप लोग बताइएगा कि इसके अनुसार आप लोग हमारी बीवी का डेट ऑफ बर्थ दिखा लिए, देखते हैं किन किन लोगों को सही से हमारी बीवी का डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने के सॉरी मुझे पता है माइक ख़राब हो गया तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए अभी हम इतना ही बोलेंगे कि इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।